दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आज भी हम एक अच्छा चीज बनाना सीखेंगे। इसको बनाना मैंने एकदम बच्चों का खेल है, बहुत आसान है, ठीक है। बस मिक्सिंग करेंगे और बन जाएगा। और इसमें मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जो है बहुत अच्छा होता है, बस पैकिंग करके सेल करना है। ओके, इसका मार्केट बहुत बड़ा है। ये एक सैलून आइटम है, सैलून में भी तो ये मैंने बहुत चलता है और फेशियल करते हैं लोग, ब्लीच करते हैं, इसमें ये इस्तेमाल होता है। और भी इसका इस्तेमाल है, जितना सारा लड़कियां हैं सिंगार करती है घर में, उसको तो ये लगता ही लगता है। और ये एक ऐसा चीज है, जब भी कोई फेशियल करेंगे या ब्लीच करेंगे उससे पहले इसे इस्तेमाल किया जाता है। ये है दोस्तों स्किन टोनर, ठीक है। तो स्किन टोनर बनाना आसान है, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बहुत बढ़िया होता है, ठीक है ना। ये आप हर्बल प्रोसेस से बना सकते हैं। आज जो हम सीखेंगे बहुत आसान तरीका हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। और इसके इसमें कितना मार्जिन हो सकता है, ये जो रॉ मेटेरियल क्या क्या मिलेगा, मैंने मार्केट में तो अवेलेबल मिल जाएगा, रॉ मेटेरियल इसमें क्या क्या लगेगा, पूरा जानकारी अगर पाना चाहते हैं तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इसे बनाने के लिए बस पांचों इंग्रेडिएंट का जरूरत पड़ेगा। एक तो है ये एलोवेरा जो पल्प होता है ना, एलोवेरा का पल्प आपको निकाल के रखना है। एलोवेरा जो लीव्स है उसको काट के ऐसा पल्प निकाला जाता है, ठीक है। और लगेगा ये ग्लिसरीन, वेजिटेबल ग्लिसरीन, ओके। और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो इथानॉल, इथाइल अल्कोहल। कम दाम वाला जो है सैलून में अगर देना है तो इथानॉल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और लगेगा ये रोज़ वाटर। रोज़ वाटर कैसे बनाया जाता है इसके ऊपर मेरा वीडियो है, आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो और लगेगा दोस्तों डिस्टिल वाटर। बस ये पांचों इंग्रेडिएंट लगेगा, ठीक है। तो ये है इथानॉल। इथानॉल में आपको डिस्टिल वाटर ऐड करना है, ठीक है। इथानॉल आपको 25-30% देना है, ठीक है ना। माने जो आप परचेस करेंगे 70% अगर होगा आपके पास या 80%, तो आप 30-35% इथानॉल आप दे सकते हैं, ठीक है। ठंडा महसूस होगा, ओके। उसके बाद उसमें रोज़ वाटर डालना है। इसका जो रेशियो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और ये एलोवेरा का पल्प जो है इसमें दे देना है और थोड़ा सा इसमें ग्लिसरीन ऐड कर देना है, ठीक है, ताकि पचा एकदम सॉफ्ट हो जाए। इसमें रोज़ वाटर है, एलोवेरा पल्प है, ठीक है, ग्लिसरीन है, और ये जो आपका थोड़ा सा आप कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। और इथानॉल है तो इसमें ठंडा महसूस होगा, बढ़िया लगेगा, ठीक है ना। और इसका मैंने आप अगर जोड़िएगा तो देखिएगा 1 लीटर का कॉस्टिंग आएगा 30 पर लीटर में बनेगा, ठीक है ना। देखिएगा आप जोड़ लीजिएगा, 30 रुपीज़ पर लीटर में ये बन के रेडी हो जाएगा। और अगर आप आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से बनाएंगे तो थोड़ा दाम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और रोज़ वाटर आप अगर घर में बना लेंगे तो बढ़िया रहेगा, थोड़ा सा फ्रेग्रेंस इसमें डाल सकते हैं, ठीक है, कलर दे देने से बस हो जाएगा। 30 में 1 लीटर बनेगा और मार्केट में ये आप आसानी से 100-120 रुपीज़ पर लीटर में बेच सकते हैं। और एक बात है, अगर आप इसे इमिटेशन शॉप में माने लड़कियों की सिंगार करने के लिए जो दुकान होता है उसमें किराए के दुकान में जो स्किन टोनर बेचा जाता है वहाँ पर अगर सेल करेंगे तो देखिएगा बहुत ज़्यादा दाम में ये बिकेगा, मतलब 200-250 रुपया पर लीटर में तो आप बेच ही सकते हैं कम से कम, ठीक है ना। इससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रेट में ये बिका जाता है। 200 ml का
प्राइस रहता है देखिएगा 60 रुपीज़, तो आप समझ ही पा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, जैसे मुझे सपोर्ट कर रहा है वैसे ही करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, बाय बाय।